हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में वर्ष 2023 की पहली बर्फबारी हो गई है। मंडी जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देर रात से बर्फबारी का दौर जारी है, जहां जंजेहली स्थित शिकारी मंदिर, कमरूनाग मंदिर व पराशर मंदिर, इसके आसपास के क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई है। क्षेत्र में अभी तक 6 से 8 इंच तक बर्फबारी हो चुकी है। बर्फबारी होने से बागवानों के चेहरे खिल चुके हैं। बागवानों की माने तो यह बर्फबारी मटर, आलू, सेब सहित अन्य फसलों के लिए फायदेमंद होगी। जानकारी देते हुए जंजेहली क्षेत्र के बागवान व स्थानीय निवासी गुलजारी लाल ने कहा कि क्षेत्र में 2023 की पहली बर्फबारी हो गई है, जो बागवानों के लिए वरदान साबित होगी। वहीं मंडी उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने सभी नागरिकों व पर्यटकों से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने से परहेज करने एवं अपने घरों में सुरक्षित स्थानों पर रहने का आग्रह किया है। उज्ज्वल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। ये जंजेहली वैली में इस सीजन की 2022-23 की आज पहली बर्फबारी हुई है, और ये बर्फबारी इस क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी एक खबर लेकर आई, क्योंकि इस बर्फबारी के कारण जो है जंजेहली घाटी में जो है हमारी सेब की फसल, आलू की फसल, मटर की फसल बहुत अच्छी होती है। बड़े लंबे समय से इस बर्फ का इंतजार था, और इस बार ये बहुत लेट जो है 2023 में आज ये बर्फबारी हो रही है, और रात के 2 बजे से चली हुई थी। और इस वक्त जंजेहली में और यहाँ पर होटल गोल्डन वैली के आसपास का ये खूबसूरत नज़ारा, इस वक्त यहाँ पर 6 इंच बर्फ गिर चुकी है, और अभी मौसम बहुत ख़राब है, और शाम तक जो है यहाँ पर अच्छी बर्फबारी होने की संभावना है। सभी साथियों को इस बर्फ की शुभकामनाएं, और इस घाटी के लिए, इस क्षेत्र के लिए बर्फ बहुत ही लाभदायक है। धन्यवाद जी। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।